करने वाली कोवर्कर्स एक लिफ्ट में फंस जाते हैं। अब इन्हें बचाने वाला 2-3 दिन तक कोई भी आने नहीं वाला था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इनके फंसने के पीछे भी एक राज दफन था। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डाउन, एक हॉलीवुड की थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें बहुत अच्छे ट्विस्ट आते हैं और एंडिंग भी बहुत अच्छी है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर जेनिफर को ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं। आज बहुत ही लेट हो चुका था, उसके साथ ऑफिस में कोई भी नहीं था, पर फिर भी वो काम कर रही थी। थोड़े दिनों पहले उसके फियांसे के साथ उसका झगड़ा हो गया था, इस वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था, पर वीकेंड पर जाकर वो उसे सरप्राइज करने वाली थी। इसके बारे में वो एक ईमेल लिखती है पर इसे सेंड नहीं करती क्योंकि ये एक सरप्राइज था। नेक्स्ट सीन में हम हमारा और एक मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम है काय। ये भी यहाँ से निकलने के लिए रेडी हो रहा था। ये दोनों अलग अलग फ्लोर पर एक ही लिफ्ट में चढ़े। गाय जेनिफर से मिलते उसे कंफर्टेबल फील कराने के लिए जोक्स वगैरह करना स्टार्ट कर देता है। लिफ्ट में ड्राइंग बनी थी, गाय ने जेनिफर को ड्राइंग दिखाई, तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट में इलेक्ट्रिसिटी थी पर फिर भी कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। इन्होंने अलार्म वगैरह दबाने की कोशिश की पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। लिफ्ट में जेनिफर ने कैमरे को नोटिस किया, कैमरे में वेव वगैरह करते हैं पर दूसरी साइड पर कोई भी नहीं था। ये फोन कर किसी की हेल्प मांग सकते थे पर रेंज भी नहीं आ रही थी। अब इस लिफ्ट में ये 5 दिनों के लिए ट्रैप्ड है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे और 2 दिन की छुट्टी थी। गाय ने जेनिफर को कहा कि मैंने अभी अभी इस बिल्डिंग में जॉब ज्वाइन किया है, उसे इस लिफ्ट के बारे में ज्यादा कुछ भी पता नहीं है। जेनिफर ने कहा कि कभी कभी ये लिफ्ट आवाज करती थी, शायद इसी वजह से स्टक हो गई है। गाय को अचानक से आइडिया आया कि लिफ्ट के ऊपर से ये एग्जिट हो सकते हैं। हर लिफ्ट में एग्जिट होने के लिए कुछ ना कुछ तो होता है। उसने खुद खोलने की कोशिश की पर उसकी इतनी हाइट नहीं थी। फिर वो झुक कर जेनिफर को ऊपर की सीलिंग चेक करने के लिए कहता है। जेनिफर के चेक करने के बाद भी ओपन नहीं हो रहा था। इन्होंने बहुत ट्राई किया पर कुछ भी नहीं हुआ। 1 घंटा बीत गया और जेनिफर रियलाइज करती है कि अब उसकी फ्लाइट उसने मिस कर दी है। वो गुस्सा हो गई और सारी चीजों को गालियां देने लग गई। उसे प्यास लगी थी तो गाय ने उसे अपनी बॉटल दी। जेनिफर उसका पानी पीने से मना कर दिया पर गाय ने कहा, हमारे पास एक तो पानी है, दूसरी वाइन की बॉटल, अब तुम डिसाइड करो। वो मजाक में कहता है, वाइन की बॉटल ओपन करने के लिए मेरे पास ओपनर भी है। जेनिफर ने भी अपनी पर्स से निकाल कर उसे एक ओपनर दिखाया। इस पर ये दोनों बहुत हंसते हैं। उसने फिर पानी पी लिया था। वो गाय को एज अ जेस्चर एक चॉकलेट दे दिया। उसने कहा, अब हमें सारी चीजें एकदम तोल माप कर यूज करनी चाहिए, हम यहाँ पर शायद 5 दिनों के लिए फंसे रह सकते हैं। अब इसके बाद और 4 घंटे बीत गए थे। उसे पी करना था पर गाय के सामने इस तरीके से टॉयलेट करना है उसे अजीब लगता है। गाय ने फिर उसे एक बॉटल दी, कहा कि एक नेचुरल चीज है, इसमें कोई भी शर्म करने की जरूरत नहीं है। उसे मुड़ने के लिए कहती है और फिर टॉयलेट कर लेती है। उसने अब रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब ये यहाँ फंसे रहेंगे। लिफ्ट में जो ड्रॉइंग बनी थी उसी ड्रॉइंग को कम्प्लीट कर लेती है। जेनिफर गाय से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं, जो तुम अगर घर पर ना हो तो पुलिस को कॉल कर तुम्हारे बारे में पता करेगी। मैट कहता है कि ऐसा कोई भी नहीं है। जेनिफर ने भी अपने फियांसे के बारे में उसे कहा, उसे सरप्राइज देने वाली थी तो फियांसे को भी उसके आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये दोनों रियलाइज करते हैं कि वो कितने सेम हैं। गाय ने फिर वाइन की बोतल खोल ली। टाइम पास करने के लिए दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। गाय ने जेनिफर की बहुत ही अच्छे से ड्राइंग बनाई थी पर जेनिफर उसकी एक फनी सी ड्राइंग बनाती है। जेनिफर को इसके लिए बुरा लगा और वो कहती है, तुमने मेरी जो पिक्चर बनाई इसे मैं मेरी प्रोफाइल पिक्चर रखूंगी। बातें करते करते खाने पर डिस्कस करने लग गए। दोनों भूखे थे तो जेनिफर ने कहा कि सब्जेक्ट हम चेंज करते हैं। अलग अलग टॉपिक पर डिस्कस करते हुए एक दूसरे के पार्टनर के साथ क्रेजी स्टोरी बताने लग जाते हैं। जेनिफर कहती है कि एक बार में मेरे बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। मैट पहले तो बहुत ही शर्मा रहा था पर बाद में वो कहता है कि मेरी एक कोवर्कर थी, हम एक बार ड्राइव पर गए थे, वही पर इंटीमेट हुए थे। ये सब बताते हुए उसे जेनिफर के लिए फीलिंग्स आ गई। जेनिफर को भी इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। फिर ये दोनों यही पर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद गाय ने जेनिफर से कहा कि तुम्हारे प्यार में पड़ सकता हूँ। ये बात जेनिफर को बहुत ही अजीब लगी। उसे कहती कि हमारे बीच में जो भी हुआ इसके बारे में हम भूल जाएंगे। वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी, उसके पास वापस जाना चाहती थी। गाय को इस बात ने बहुत हर्ट कर दिया। वो कहता है, मुझे लगा था कि हम दोनों में एक कनेक्शन है, या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ? जेनिफर ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसके फियांसे के साथ बहुत सालों से थी तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी। जेनिफर की ये सब बातें सुनकर एक बंद लिफ्ट में होने के बावजूद एक दूसरे से बहुत ही दूर है ये सारा गाय महसूस करता है।
उसकी आंख में आंसू आ गए थे। जेनिफर उसे कहती है, हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं। अचानक से गाय का बिहेवियर चेंज हो गया। वह अपने मोबाइल में उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। कहता है कि मैं रोज तुम्हें देखता हूँ, तुम जब काम पर आते हो, काम से जाती हो, हर रोज मैं तुम्हें ही देखता रहता हूँ। वो एक्चुअल में इसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड है। उसने पहले जेनिफर को झूठ कहा था, इसी बिल्डिंग में अकाउंटेंट है। उसने कन्विंस किया कि सब कुछ मैंने प्लान किया था। वो जेनिफर के साथ एक दूसरे को जानने के लिए चांस चाहता था। वो चाहता था कि जेनिफर उसे पहचाने, इसी वजह से उसने सब कुछ किया था। वो अपने पॉकेट से चाबी निकालता है और लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। जेनिफर उस पर गुस्सा हो गई, कहती है कि अब मैं पुलिस को कॉल करूंगी, तुमने जो भी किया इसके लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये सुनने के बाद गाय ने लिफ्ट बंद कर दी। जेनिफर डर कर फिर से लिफ्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, पर गाय ने उसे पकड़ लिया। जेनिफर स्ट्रगल करते हुए लिफ्ट की को मार देती है और इस वजह से टूट गई थी। अब एक्चुअल में इस लिफ्ट में फंस गए थे। जेनिफर गुस्सा होकर अपने शू से गाय को अनकॉन्शियस कर देती है। उसे चेक करने के लिए आई पर गाय कॉन्शियस था, उसे भी मारकर बेहोश कर देता है। जेनिफर के होश में आने के बाद गाय उसे कहता है, एक बहुत ही अच्छा प्लान था। यह लिफ्ट में हमारे बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था, तो हम एक दूसरे को जान पाए। प्रैक्टिकली हमारी पूरी रिलेशनशिप इस लिफ्ट में हो गई। हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाना और ब्रेकअप भी हो गया। जेनिफर अब भी बहुत गुस्सा थी। उसने अपने फियांसे के लिए जो गिफ्ट लाया था, एक गाय ने चेक किया। इसमें एक अच्छा सा शर्ट है जो गाय पहन लेता है। गाय के पास भी एक गिफ्ट है जिसमें सिगार, लाइटर और एक कटर है। गुस्से में गाय ने लिफ्ट का एक लाइट तोड़ दिया। फिर उसे आइडिया आता है कि यार लाइट बदलने के लिए कुछ ना कुछ तो वे होगा। उसके पास के पोर्टल से उसने छत पर मार कर उसे खोल लिया। वो जेनिफर से कहता है कि तुम मुझे सपोर्ट दो, मैं ऊपर जाकर इस लिफ्ट को खोल दूंगा। जेनिफर उस पर बिलीव नहीं करती, कहती है कि मैं ऊपर जाती हूँ, मेरा वेट कम है और मैं जल्दी से तुम्हें ओपन कर दूंगी। गाय को उस पर शक आने लग गया था, पर उसे जो बात सुननी थी यही जेनिफर ने कही। वो कहती कि हमने एक साथ इतना सारा टाइम स्पेंड किया, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी। गाय भी फिर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है और जेनिफर ऊपर आके। ऊपर आने के बाद जेनिफर ने उसे धोखा दे दिया। मैट बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। वो कुछ भी कर ऊपर आने की कोशिश करता है। उसने अपने कपड़े निकाले, उससे एक रस्सी बनाकर ऊपर वो आ जाता है। जेनिफर जरा ज्यादा ऊपर चली गई थी, वो डोर को पकड़ने वाली थी, तभी नीचे से गाय आया और उसे पकड़कर फिर से लिफ्ट में लेकर आता है। ये दोनों इसे इंजोर हो गए थे। गाय अनकॉन्शियस हो गया और जेनिफर होश में आ गई। लिफ्ट तेज नहीं थी तो उसने यहाँ पर फायर अलार्म को नोटिस किया। गाय के गिफ्ट में से उसने लाइटर निकाला।